दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक रणावरे, मोटिवेशनल ट्रेनर, हिप्नोटिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा है ताजमहल। आजकल ताजमहल के बहुत से चर्चे हो रहे हैं, मैं ताजमहल के ऊपर आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप क्या जानते हैं ताजमहल के बारे में और आपकी ज़िंदगी में ताजमहल क्या हिस्सा बनता है, ताजमहल आपकी लाइफ को क्या टर्निंग पॉइंट दे सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ताजमहल से हम क्या सीखेंगे, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आपका ताज्जुब होगा कि ताजमहल हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। ताजमहल ये शब्द आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन लाएगा। दोस्तों समझिए, मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ और इस सवाल के तीन जवाब के ऑप्शंस भी मैं आपको दूंगा। सवाल ये है मेरा, ताजमहल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? ताजमहल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? दोस्तों समझिए मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। सवाल एक है, उसके जवाब मैं आपको ऑप्शंस में ए बी सी ऐसे तीन ऑप्शंस दूंगा, आपको सही जवाब चुनना है। ताजमहल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? वेयर वॉज ताजमहल बिल्ट फर्स्ट? पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगा वो है औरंगाबाद। शायद आप औरंगाबाद गए होंगे, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें वहाँ पे। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, ताजमहल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है यस ऑफकोर्स ताजमहल। ताजमहल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? औरंगाबाद, ताजमहल या समवेयर एल्स और कहीं किसी और? मेरा सवाल बहुत सिंपल है, ऑप्शंस मैंने तीन दिए हैं, ए बी सी। ए है औरंगाबाद, बी है आगरा और सी है समवेयर एल्स। क्या सोचते हैं, ए बी और सी? माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सवाल बहुत सिंपल था, ताजमहल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? आपने बहुत लोगों ने जवाब ये सोच के रखा होगा या आपने अपने आप को दिया होगा कि यस ताजमहल का निर्माण सबसे पहले आगरा में हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, और आप गलत है। यस, आप गलत है, क्योंकि ताजमहल का निर्माण सबसे पहले हुआ शाहजहां के मन में। अगर शाहजहां के मन में अगर ये ख्याल नहीं आता कि मैं अपने मुमताज के लिए ताजमहल बनाऊं, तो ताजमहल कभी भी साकार नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी सीख आज हमने ताजमहल से ये ली है कि ताजमहल अगर आपको निर्माण करना है तो उसका क्या होना है, सबसे पहले वो कहा आता है, एवरी बिल्डिंग हैज अ ब्लू प्रिंट। माई डियर फ्रेंड्स, वो बिल्डिंग, वो वास्तव में वास्तु होने से पहले उसका ब्लू प्रिंट होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है माय डियर फ्रेंड्स, तो कामयाबी के लिए आपके सर में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में उसकी छवि होना बहुत ज़रूरी है। उसकी कल्पना आपके दिमाग में आनी बहुत ज़रूरी है, वो सोच आपके दिमाग में आनी बहुत ज़रूरी है। किसी दिन अगर आपके दिल में, आपके मन में वो सोच आ गई कि मुझे जीवन में ये पाना है, बस वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने यही देखा कि ताजमहल का निर्माण अगर हमें करना है तो सही वो वास्तव में करने से पहले वो मन में होना बहुत ज़रूरी है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आगे मोटिवेशनल वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद।